होगा। और जिनको हाई बीपी है उनको अंग्रेजी दवाओं की मुसीबत से बचाने के लिए एक सुंदर उपाय, सफल उपाय, खर्च खास नहीं और फायदा पक्का। हाई बीपी के जो भी बीमार हो या मरीज हो उनके लिए ये आशीर्वाद रूप है आज की ये हाई बीपी मिटाने की बात। हाई बीपी की तकलीफ है, क्या करूं? एक दाना किशमिश बस। हाई बीपी मिटाना है बापू, क्या आओ बस मिटेगा पक्की बात। एक दाना किशमिश गुलाब के पानी में भिगा दी सुबह रात को और सुबह चबा के खा ली, पानी उतना ही जितना भीग जाए। दूसरे दिन दो, तीसरे दिन तीन, चौथे दिन चार, पांचवें दिन पांच, तो छठे दिन छह, सातवें दिन सात, ऐसे 21 दाने तक चले जाओ बस। हाई बीपी शांत करने का, सदा के लिए उसकी जड़ काटने का सुंदर उपाय। 10-15 दिन छोड़ दिया, फिर एक दिन एक, दूसरे दिन दो, तीसरे दिन तीन, फिर 21 दिन का कोर्स किया। ऐसे एक दो कोर्सों में, दो तीन कोर्सों में आपकी हाई बीपी तो चली जाएगी और भगवान नाम जप के अगर लोगे तो पाप ताप भी मिटने लगेंगे।